नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। इस समय हम हैं बिहार के रोहतास जिले में, कोचस शहर के करहगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई लोग बता रहे हैं कि बसपा, जदयू और कांग्रेस की लड़ाई है। आइए जनता की राय लेते हैं कि यहाँ से क्या लग रहा है, कौन जीतेगा। सर ये बताइए, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से उम्मीद है कि आपको तिरछाप जीतेगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जीतेंगे। हाँ, बसीर सिंह। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किए। हम लोग को बिजली मिल रहा है जी, पानी नल जल का मिल रहा है जी, सड़क मिल रहा है, अब क्या चाहिए। और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं रोजगार भी देंगे, युवा जोश है। अरे बोल रहे हैं ना, बोलने से थोड़े मिलेगा, ये वो अगला कर दिखा दिया। हाँ, हाँ। तो हम लोग तो उसी के फर्म में है, मतलब बदलाव नहीं चाहते। 15 साल हो गए नीतीश कुमार को। हम लोग फिर चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही आए। 20 साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा, अच्छा रहेगा। काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। हाँ, आइए और लोगों से पूछते हैं। हम लोग काम चाहिए जी जी। सर ये बताइए कौन जीत रहे हैं यहाँ से? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जीत रहे जी, जदयू। तेजस्वी यादव नहीं? नहीं, बस नहीं जीते। तेजस्वी यादव बोलते हैं युवा जोश है, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ठीक है। आप बताइए सर। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को क्यों जिताना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि नया सरकार, नया युवा है, कम उम्र का है जी। इनका सरकार एक बार देखना चाहते हैं। 15 साल में नीतीश कुछ नहीं किया है। लोग बोल रहे हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़क बढ़िया है, पानी की व्यवस्था है। सड़क उनका है तो केंद्र सरकार का सड़क है, उनका भी तो होगा। कुछ नहीं है उनका, कोई पलटू राम है। पलटू राम है। हाँ, मतलब सरकार बदलते रहते हैं। महागठबंधन का उस बार बसीर सिंह को हमने वोट दिया था जी, लेकिन पलटी मार दिए। हम लोग अपने प्रत्याशी को चुने थे लेकिन मार दिए पलटी। तो जो तेजस्वी यादव है वो अच्छा काम करेंगे, विश्वास है? विश्वास है। 5 साल इनका भी देख लेते हैं, 15 साल उनका देखे, 5 साल इनका भी देख लेते हैं जी जी। आप बताइए सर। चाचा और आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए। क्या चल ले राजधानी है भैया, विजय बनैया। हाँ दोस्तों, रहतिया पटा मादा भैया, सुना हो भैया, उदय भाई के विजयी बनैया। उदय भाई को जिताएंगे। हाँ, हाथी को जिताएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे मुख्यमंत्री बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे। आपको लग रहा है उतना सीट जीत पाएगी मायावती की सरकार? हाँ हाँ, एकदम जीतेंगे। हाँ जानिए, जीतने के बाद हम लोग के गांव में उद्योग बनाना है, गरीबों के बेटा के नौकरी में लगाना है, गांव गांव में कराबाद में बेरोजगारियों को सर्विस दिवाएंगे जी, गांव में कॉलोनी दिवाएंगे, गांव में बुढ़ा पेंशन दिवाएंगे, एको रोजगार बाकी नहीं। बाकी हाँ, रहतिया पा बटा मादा भैया, सुना हो भैया, उदय भाई के विजयी बनैया। एक मिनट। उदय भाई के विजयी बनैया, सुना हो भैया, है नहीं? अरे गौआ सहारिया में लगल बजारिया हो, लगल बजारिया, अरे हथजोरी पैया पारी रहू रे चरनिया, हसिया पा बटा मादा भैया, सुना हो उतना नहीं, अरे नली गली पकी रोड सड़क बनवाई। आप बताइए सर। ए भैया, कौन जीतेगा यहाँ से? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं लेकिन सरकार बदलना है। नीतीश कुमार जब अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों सरकार बदलना है? काम कर रहे हैं लेकिन जो काम पूरा कहे करने के लिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये मतलब तेजस्वी यादव तो वादा कर रहे हैं कि दे देंगे रोजगार, तो भाजपा कह रही है उनसे अधिक रोजगार देंगे। तो भाजपा तो पहले भी बोल चुके हैं रोजगार देने के लिए, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ है। भरोसा है तेजस्वी यादव पे? हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस बोली थी कि देंगे, और कांग्रेस गठबंधन में है तेजस्वी यादव से। हाँ जी, तो रोजगार मिलेगा? रोजगार सब लोग। अच्छा, अच्छा ये बताइए, डर नहीं लगता है कि जंगल राज दोबारा आ जाएगा? जंगल राज जिसका सरकार आता है सर, वो ऐसे ही बोलता है, लेकिन फिर भी हम लोग तेजस्वी को वोट देंगे। तेजस्वी को वोट देंगे। आगे आ जाइए। नमस्ते। आगे आ जाइए।